नए चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज़। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। रेशियो वर्ड सुना है वैसे आपने कभी? रेशियो अनुपात हिंदी में कहते हैं। रेशियो क्या होता है बताओ? रेशियो तो रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सेकेंड एरो, रेशियोज कॉमा व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेशियोज व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियोज। आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियोज। तो सर रेशियो क्या होता है? सर रेशियो, रेशियो तो हमने कहाँ सुना था बताओ? वैसे तो मैथमेटिक्स में शायद सुना होगा, है ना? नहीं तो आपने पार्टनरशिप में सुना था, ए एन बी आर, 3:2 पार्टनर्स। तो रेशियो जो है वो बेसिकली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में। लेकिन हम जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए जानकारी का रेशियोज़ को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़, ठीक है ना? वैसे रेशियो बहुत सिंपल चीज़ होती है, इसमें एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, बस। तो आप उसको रेशियो कह देते हो। तो दो वेरिएबल्स के ही रेशियो हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं, मोर देन टू वेरिएबल्स के नहीं पढ़ने होते। तो अकाउंटिंग जानकारियों को रेशियो कैलकुलेट करने में इस्तेमाल करेंगे तो वो बन जाएगा अकाउंटिंग रेशियोज। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। रेशियो को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है? एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, तो इसमें लिखो नंबर वन, पहले को कहते हैं प्योर रेशियो। फिर दो लाइन छोड़ के लिखना, दूसरे को कहते हैं परसेंटेज। फिर दो लाइन छोड़ के लिखना, तीसरे को कहते हैं टाइम्स। और फिर दो लाइन छोड़ के लिखना, चौथे को कहते हैं फ्रैक्शन। तो प्योर रेशियो, परसेंटेज, टाइम्स और फ्रैक्शन, तो रेशियो को दिखाने के मतलब एक्सप्रेस करने के चार तरीके होते हैं बेसिकली। तो प्योर रेशियो का क्या मतलब है? प्योर रेशियो में लिख लो एक छोटा सा इक्वल टू डाल के, कि जैसे मान लेते हैं हमारा न्यूमरेटर है 10 और हमारा डिनोमिनेटर है 2, ठीक है ना? तो हमारा मान लेते हैं न्यूमरेटर है 10, डिनोमिनेटर है 2, तो आप इसको अब कैसे एक्सप्रेस करोगे प्योर फॉर्म में? तो प्योर फॉर्म का मतलब होता है कि हमें इसको लोएस्ट 1 तक लेकर जाना है, मतलब डिनोमिनेटर को 1 करना ही पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को 1 करेंगे तो 5/1, तो हम इसको ऐसा शो करते हैं 5:1 करके। तो जब भी हम डिनोमिनेटर को 1 करके शो करते हैं तो इसको बोलते हैं प्योर रेशियो। ऐसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, वो आप करके दिखाना। अगर मान लेते हैं न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर है 2, तो इसको कैसे शो करोगे? 1.5:1, राइट। तो इसको बोलते हैं प्योर रेशियो। तो हमको डिनोमिनेटर को 1 करना है। दूसरा है जी प्रतिशत, तो इसमें लिख लो, मान लेते हैं न्यूमरेटर है 10, डिनोमिनेटर है 2,
फिर से वही एग्जांपल है, न्यूमरेटर है 10, डिनोमिनेटर है 2, तो इस बार आप प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, इनटू 100 कर दोगे, इनटू 100 कर दोगे। तो इनटू 100 करते ही ये क्या बन गया जी, 500, और प्रतिशत का सिंबल लगा दोगे। तो परसेंटेज का मतलब होता है आपको प्रतिशत में बताना है, ठीक है, इनटू 100 करना है। तो एक और आप करके दिखा दो। तो अगर न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर है 2, तो प्रतिशत में कैसे करोगे, इनटू 100, तो आपका प्रेजेंटेशन बन जाएगा 150%। तो ये होता है दूसरा तरीका रेशो दिखाने का, जिसको बोलते हैं परसेंटेज। तीसरा है जी टाइम्स, मतलब गुना। तो मान लेते हैं न्यूमरेटर है 10, डिनोमिनेटर है 2, तो अगर आपको टाइम्स यानी कि कितने गुना है, तो फिर कैसे दिखाएंगे, तो हम इसको सॉल्व करके लिख देंगे 5 times, यानी कि न्यूमरेटर 5 गुना है डिनोमिनेटर का, तो इसको बोलते हैं 5 times। इसी तरह एक आप करके दिखा दो। मान लेते हैं न्यूमरेटर है 5, डिनोमिनेटर है 2, तो बिल्कुल सही, तो इसका टाइम्स में बन जाएगा 2.5 times, तो इसको बोलते हैं 2.5 times। और चौथा जो है फ्रैक्शन, तो वो बेसिकली है कि मान लेते हैं न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर है 4, तो फिर आप क्या करोगे, बस ऐसे ही छोड़ दोगे, मतलब जो है वो फ्रैक्शन, तो मतलब फ्रैक्शन। हाँ, हो सकता है कुछ इसको सॉल्व कर लें, तो वो भी आप कर सकते हो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में दिखा सकते हो, तो 0.75 वो भी लिख सकते हो, मतलब डेसिमल में आ जाएगा। तो दोनों ही फ्रैक्शन कहलाते हैं, मतलब जिसमें ना तो आपने प्योर करा, ना परसेंटेज करी, ना टाइम करा, तो उसको बोल देते हैं फ्रैक्शन। तो रेशो को दिखाने के 4 तरीके होंगे जो आप आगे सीख जाओगे चैप्टर में। उसके बाद जी अगला एरो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब ये चैप्टर जो पता है आपको, इसका नाम जो है, वैसे तो अकाउंटिंग रेशियोज है, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, तब आप इन रेशियोज को निकालोगे भी और फिर इनका एनालिसिस भी करोगे। अभी तो क्या, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, तो अभी तो आपको एनालिसिस आपके कोर्स में नहीं डालते। एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे अभी सिर्फ आपके कोर्स में कैलकुलेशन है कि भाई आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पुट करा और आंसर आ गया 5 times, लेकिन बड़े जब होगे तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 5 times आने का क्या मतलब है, मतलब उसका आपको एनालिसिस भी करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल वो हमारे कोर्स में नहीं होता, लेकिन फिर भी 3 number का या 1 number में क्वेश्चन पूछ लेता है थ्योरी में कि रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों करते हैं हम ये। तो लिखो नंबर 1, पहला ऑब्जेक्टिव है टू सिंप्लीफाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, टू सिंप्लीफाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन लिक्विडिटी, ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, टू डिटरमाइन लिक्विडिटी ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, मतलब कंपनी की लिक्विडिटी को के बारे में पता लगाने के लिए, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में। वैसे नंबर 3, तीसरा ऑब्जेक्टिव टू एसेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, टू एसेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कितना ऑपरेशनली एफिशिएंट है, कितनी जल्दी काम होता है, कितना अच्छा काम होता है, ये पता लगाने के लिए। नंबर 4, टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कितना मुनाफा दे रहा है
उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये भी हम पता लगाने के लिए रेशो एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली हम चैप्टर में वैसे ये सब सीखेंगे ही, है ना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसलिए रेशियो एनालिसिस किया जाता है। तो ये भी हमसे बस एक क्वेश्चन पूछ लेता है थ्योरी में, तो इसलिए हमने लिख लिया। तो बाकी कुछ ज़्यादा जानकारियाँ हमारे लिए रेलिवेंट नहीं हैं, यानी कि एग्ज़ाम के लिए और चैप्टर के अनुसार। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है हमें वो पता होना चाहिए वन नंबर में, अकाउंटिंग रेशियोज़ को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा वो पता होना चाहिए, और अकाउंटिंग रेशियो के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो पता होना चाहिए। तो अब हम अगले एरो में बेसिकली मुद्दे की बात ये लिखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कितने रेशियोज़ के बारे में पढ़ना है। तो आप सेंटर ऑफ द पेज लिख लो रेशियोज़। तो बताइए जी, इस चैप्टर में कितने प्रकार के रेशियोज़ आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो इसमें आपको चार प्रकार के रेशियोज़ पढ़ाए जाएंगे टोटल, मतलब ये चैप्टर का हमने एक ब्रीफ लिख रहे हैं तो इसीलिए आप चार बाइफरकेशन कर लो। तो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें चार बातें सिखाई जाती हैं। पहला है जी लिक्विडिटी रेशियोज़, दूसरा है जी सॉल्वेंसी रेशियोज़, तीसरा है जी एक्टिविटी रेशियोज़। एक्टिविटी रेशियोज़ के ब्रैकेट में लिख लो, इनको घर में मम्मी प्यार से टर्नओवर रेशियोज़ भी बुलाती हैं। और चौथे हैं जी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। तो हमें अलग अलग प्रकार के रेशियोज़ के बारे में कंपनी के पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का। तो हम जब चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार के रेशियोज़ सिखाए जाएंगे। तो बस आप ये मतलब लिख कर क्लोज कर सकते हो कि भाई ये चार प्रकार के रेशियोज़ हमें पढ़ने हैं और वन बाय वन हम सबके बारे में सीखेंगे। तो अब आप फ्रेश पेज पर, नए पेज पर बड़ी बड़ी हेडिंग डाल देना, लिक्विडिटी रेशियोज़, लिक्विडिटी रेशियोज़। तो हमारा सबसे पहला मेन बड़ा टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल लिक्विडिटी रेशियोज़। तो इसके बारे में लिखते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियोज़ के अंदर हमें पढ़ना है नंबर वन, पहले का नाम है करंट रेशियो, पहले का नाम है करंट रेशियो। तो इट इज़ इक्वल टू, इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। बिल्कुल सही, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। इसके नीचे एरो डाल के लिखना, इट शोज़ द सेफ्टी मार्जिन ऑफ, इट शोज द सेफ्टी मार्जिन ऑफ करंट लाइबिलिटीज, ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज इट हेल्प्स इन assessing short term, यानी छोटी अवधि, short term solvency, it helps in assessing short term solvency। तो ये कंपनी की short term solvency को assess करने में मदद करता है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे। second arrow, it is expressed in प्योर रेशियो। तो आपको इसका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि ये प्योर रेशियो में एक्सप्रेस होता है। अगला एरो, आइडियल रेशियो इज, आइडियल का मतलब होता है कि जो बिल्कुल बेस्ट रेशियो है वो क्या है, इज क्या है,
2:1, तो स्कूल के योद्धाओं ने सही बताया। तो करंट रेशियो आइडियली अगर 2:1 है तो माना जाता है कि ये बढ़िया है ना, बहुत ज़्यादा होगा तो भी बेकार, बहुत कम होगा तो भी बेकार, तो 2:1 को एक अच्छा आइडियल यानी कि अच्छा करंट रेशियो माना जाता है। तो पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो बच्चों आपने पुराना चैप्टर जो पढ़ा था जिसमें आपको याद है आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी कंपनी की, तो बैलेंस शीट में टॉप बॉटम टॉप पार्ट छोड़ दो, बॉटम पार्ट जो था एसेट्स वाला, उसमें पहले मेन हेड्स होते थे नॉन करंट एसेट्स और दूसरे कौन से होते थे करंट एसेट्स। तो जो यहाँ पे न्यूमरेटर है बेसिकली वो पूरा का पूरा वो करंट एसेट्स है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या सब हेड्स थे एक बार अगर याद है तो बताओ, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स, है ना। तो ये सारे के सारे वो करंट एसेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिर लाइबिलिटीज़ के अंदर जो चौथा मेन हेड था अगर आपको याद हो करंट लाइबिलिटीज़, तो वो आपका डिनोमिनेटर है करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि जिसके अंदर चार मेन हेड्स थे, चार सब हेड्स थे, कौन कौन से, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, ये सब। तो बेसिकली अगर आपको वो बैलेंस शीट के मेन हेड्स और उसके सब हेड्स याद हैं तो ये वही मेन हेड्स दे रखे हैं, न्यूमरेटर में है करंट एसेट और डिनोमिनेटर में है करंट लाइबिलिटी। बाकी इसका बेसिक मतलब है वो मैं समझा देता हूँ, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। करंट एसेट्स उन्हें बोलते हैं बेसिकली जहाँ से हमारे पास पैसा क्या होगा, आएगा, और करंट लाइबिलिटीज़ कौन होते हैं जहाँ पर हमारा पैसा जाएगा, जिन्हें हमें पेमेंट करनी है। तो मान लो जिन्हें मुझे पेमेंट करनी है वो है 100 रुपये, लेकिन मेरे पास जहाँ से पैसा आएगा वो है 200 रुपये, तो मैं अपने आप को कितना सिक्योर मानूंगा, 2 times एक तरह से, क्योंकि मुझे देना कितना है 100 रुपये देना है लेकिन मुझे मिलेगा कितना, 200 मिल जाएगा। तो जो ये करंट रेशो आइडल होता है 2:1, इसका मतलब ये है कि ये सेफ्टी मार्जिन दिखाता है करंट लाइबिलिटी वालों की, कि करंट लाइबिलिटी वाले जो हैं वो कितना सेफ हैं। तो करंट लाइबिलिटी वालों को मुझे 100 रुपये देने हैं लेकिन मुझे ये भी पता है कि 200 रुपये मुझे मिल भी जाएंगे, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी शो कर रहा है कि हमारी कंपनी जो है वो पैसे दे देगी आसानी से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो समझ आ गया पॉइंट। तो एक बार फॉर्मूला अपने मुंह से बोल दो, करंट रेशो का क्या है फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद अगले एरो में लिखना है इसी में, व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट एसेट्स रिमेंबर, आपको याद रखना है जब हम करंट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिमेंबर करना है, लिखो पहला सितारा, एक्सक्लूड लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर्स इन इन्वेंटरीज, एक्सक्लूड लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन इन्वेंटरीज, और दूसरा सितारा, डिडक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, डिडक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। ये दो बातों का ध्यान रखना है बस जब हम करंट एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इन्वेंट्रीज तो मुझे पता है कि आपको याद नहीं होंगी, इन्वेंट्रीज मैंने आपको 6 प्रकार की सिखाई थी, किसी को याद है, पहला था रॉ मटेरियल, दूसरा था वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा था फिनिश्ड गुड्स, चौथा था स्टॉक एंड ट्रेड। यहाँ तक मैंने कहा था ये अच्छे वाले हैं, दो को मैंने कहा था गंदे इन्वेंट्री, एक था लूज टूल और एक था स्टोर एंड स्पेयर। तो जब हम करंट एसेट्स रेशो निकालने के टाइम पर ले रहे होते हैं तो हमें इन्वेंट्री के अंदर इन दोनों गंदी वाली इन्वेंट्रियों को नहीं कंसिडर करना पड़ता। इसका मैंने रीज़न भी आपको बताया था कि मैं इनको गंदा क्यों कहता हूँ,
क्योंकि इन दोनों इन्वेंट्रियों को हम बेचते नहीं हैं, ये दोनों इन्वेंट्रियां हमारी नॉट फॉर सेल होती हैं। तो हम मानते हैं रेशियो निकालने के टाइम पर कि भाई इन्हें आप हटाई दो, इन्हें कंसिडर ही मत करो, ये बेकार इन्वेंट्रियाँ हैं। तो बस वो रीज़न से हम इन दोनों को नहीं लेते। बाकी दूसरा सितारा आपको शायद बचपन में भी सिखाया होगा, 11th में, आप माहिर हो इन सब चीज़ों के। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये याद है, तो इसको आपको क्या करना है, डेटर्स में से माइनस करना है। तो वो अगर दे रखा होगा किसी क्वेश्चन में तो हम माइनस कर देंगे, तो वो एक नॉर्मल पॉइंट है। तो करंट एसेट्स को निकालते समय इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद अगला एरो, अब कुछ और भी सब फॉर्मूले हैं, मतलब कुछ और भी बातें हैं जो हमें क्वेश्चनों में इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। तो अगले एरो में लिखना है, एक टर्मिनोलॉजी है, इसका नाम है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि भाई आपका डे टू डे काम करने के लिए आपको जो पैसों की आवश्यकता है उसे वर्किंग कैपिटल कह देते हैं। तो इसका फॉर्मूला किसे पता है जी? इसका फॉर्मूला होता है, लिखो, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो आप अभी लिख लो, धीरे धीरे आपको भी क्वेश्चनों में सब समझ आ जाएगा, दिख जाएगा। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये है बेसिकली हमारा पहला रेशियो जिसका नाम था करंट रेशियो। अब लिखना है नंबर टू। नंबर टू का नाम है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो, तो इसे बताओ घर में मम्मी प्यार से क्या बुलाती हैं? क्विक रेशियो। और इसके ट्यूशन के दोस्त से प्यार से क्या बुलाते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो। वेरी गुड। तो ये है हमारा दूसरे प्रकार का लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला लिख लो पहले, इट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, करंट लाइबिलिटीज जो पहले था, बस न्यूमरेटर में करंट एसेट की जगह आ गया लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स को मम्मी घर में प्यार से क्विक एसेट्स भी कहते हैं, एक ही बात है, तो हम लिक्विड एसेट्स ही बोल लेंगे बार बार। तो फॉर्मूला बन गया लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज तो चलो हमें पता ही है, लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? लिक्विड एसेट्स, तो वैसे तो मीनिंग इनका ये होता है लिक्विड एसेट्स का भी, जो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड हो, जो एकदम जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालने हैं आपको? करंट एसेट्स जो आपने ऑलरेडी ऊपर लिखे, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऊपर वाले, तो उनमें से बस आपको दो चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, एक तो इन्वेंट्रीज और एक मैडम कह रही हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही मैडम, स्कूल की योद्धा हैं। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो दो चीज़ों को अगर आप करंट एसेट से हटा दोगे तो बचे हुए सारे मिलाकर बच जाएंगे लिक्विड एसेट्स। अब इसमें बस मेरा एक आपसे प्रश्न है, इन्वेंट्रीज जो हैं वो समय के अनुसार कई बार दो भी होती हैं, ओपनिंग होगी तो आप कहते हो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग होती है तो आप कहते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे कौन सी लेनी है बताओ स्कूल के योद्धा? तो यहाँ कौन सी लेनी है समय के अनुसार? तो ये आप लिख लो छोटा सा ऐसी एरो डाल के, क्लोजिंग वाली, क्योंकि जो हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा साल के एंड में कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि हम रेशियोज ही साल के एंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप इन्वेंट्रीज भी कौन सी वाली लोगे? एंड वाली लोगे, मतलब क्लोजिंग वाली लोगे। तो ये एक छोटा सा मतलब यूनिक पॉइंट है, तो हमने मेंशन कर लिया।
हालांकि बेसिक फॉर्मूला अपना याद रखना है, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो, ये भी प्योर रेशियो में एक्सप्रेस किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, आइडियल रेशियो, सबसे बढ़िया लिक्विड रेशियो किसे माना जाता है? 1:1, वेरी गुड। तो आइडियल रेशियो है लिक्विड रेशियो के अंदर 1:1, तो 1:1 को माना जाता है कि ये सबसे बढ़िया रेशियो है। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में, इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। इसमें आप शॉर्ट टर्म को हाईलाइट कर लेना चाहें। इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस फुल स्टॉप। तो बेसिकली ये भी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताने में मदद करता है कि कंपनी कितनी शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है। तो मतलब ये दोनों रेशियोज जो आपने लिखे, ये दोनों बिल्कुल भाई हैं, दोनों का काम ही शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताने का है। इनफैक्ट अगर मैं ये बात हेडिंग में भी लिख दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक बार आप अपने मुँह से बोल दो, तो लिक्विडिटी रेशियोज का काम क्या होता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताने का काम होता है। और लिक्विडिटी रेशियोज कितने होते हैं? दो, बस यही दोनों होते हैं। पहले का क्या है नाम, उसका फॉर्मूला बोल दो, वेरी गुड, बस आपको ये याद रखना है। और दूसरा रेशियो, इसका भी फॉर्मूला बोल दो, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। अब है अगली मेन हेडिंग, इसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज, तो लिक्विडिटी रेशियोज का काम तो था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताने का, इनके ब्रैकेट में लिख लो, इनका काम है कि ये क्या एसेस करते हैं, एसेस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, कि लंबी अवधि में हमारी कंपनी कितनी सॉल्वेंट है। तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को एसेस करते हैं कंपनी की। तो ये कितने प्रकार के होते हैं मैडम? 4 प्रकार के होते हैं, मैडम को तो सब पता है। आ जाओ आप ऊपर ही आ जाओ। तो नंबर 1, पहले का नाम है जी डेट इक्विटी रेशियो। पहले का नाम है डेट इक्विटी रेशियो। तो पहले आप लिख लेना, फिर मैं सब कुछ समझाता हूँ। तो इसमें लिखना फर्स्ट एरो डाल के, इसका फॉर्मूला है इट इज़ इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में याद है ये एक मेन हेड होता था नॉन करंट लाइबिलिटीज़, बस वो मेन हेड उठाया और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, शेयर होल्डर्स फंड, वेरी गुड। तो बैलेंस शीट में याद है शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहले ही मेन हेड होता था। तो बस, तो जिस बच्चे को बैलेंस शीट याद है उसको मतलब ये ऑलरेडी आ गया, उसके लिए ये ऑलरेडी ख़त्म हो गया, क्योंकि बैलेंस शीट का जो पहला मेन हेड था शेयर होल्डर्स फंड वो डिनोमिनेटर में लिखना है, और जो तीसरा मेन हेड था नॉन करंट लाइबिलिटीज वो न्यूमरेटर में लिखना है। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला बन गया डेट इक्विटी रेशियो का। बाकी सेकेंड बात, इट मेजर्स द इनडेप्थनेस ऑफ एन एंटरप्राइज एंड गिव्स एन आइडिया
टू लॉन्ग टर्म लेंडर एंड गिव्स एन आइडिया टू लॉन्ग टर्म लेंडर रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डेट, है ना। तो जैसे मैंने बताया था, ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताने में मदद करता है। तो ये एक तरह से कंपनी कितनी मतलब कर्ज में डूबी हुई है, ऐसा कह सकते हो, उस बारे में मेजर करता है और ये एक आइडिया देता है कि कितने सिक्योर्ड हैं हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स। तो मैं इसको एक सिंपल फनी वे में भी कहता हूँ इस फॉर्मूले को, तो जो बच्चा रीड करना जानता है वो समझेगा कि नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो एक तरह से आपके बोरोड फंड्स होते हैं, यानी कि ये आपका पराया पैसा है बिजनेस के अंदर। और डिनोमिनेटर में होता है शेयर होल्डर फंड, यानी कि ये होता है जो बिजनेस के अंदर अपना पैसा होता है, यानी कि जो मालिक का पैसा होता है। तो एक तरह से रेशियो बहुत सिंपल है, ये बस ये दिखा रहा है कि जो कंपनी ने पैसा ले रखा है उसमें आउटसाइडर्स का कितना है और अपना इक्विटी वालों का कितना है। तो पराया पैसा डिवाइडेड बाय अपना पैसा, सिंपल रेशियो है ये। तो ऊपर आ जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, नीचे आ जाते हैं शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद अगली बात, ए लो डेट इक्विटी रेशियो रिफ्लेक्ट्स मोर सिक्योरिटी। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि पराया पैसा ज़्यादा ले रखा है बिजनेस में, अपना पैसा कम है। भाई मान लो मैं एक बिज़नेस शुरू करता हूँ, ठीक है, आप खुद सोचो, मैं एक बिज़नेस शुरू करता हूँ, मैं अपने घर से लाया 1 रुपये और आपसे मैंने उधार ले लिए 10 रुपये। तो देखो न्यूमरेटर में आ गया 10, डिनोमिनेटर में आ गया 1, तो रेशो का आंसर कितना आ जाएगा, 10:1। तो इसका मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें मैं अपने 1 रुपये लगा रहा हूँ और उधार के 10 रुपये लगा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसका मतलब इसमें सिक्योरिटी कम है ना आपकी। मैंने आपका पैसा ज़्यादा लगा रखा है, आपसे 10 रुपये ले रखे और अपना 1 ही रुपये लगा रखा है, तो ये रेशियो अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब सिक्योरिटी नहीं है। तो लो डेट इक्विटी रेशियो रिफ्लेक्ट्स मोर सिक्योरिटी, तो रेशियो अगर कम आएगा तो इसका मतलब वो सिक्योरिटी दर्शाएगा। उसके बाद जी अगली बात इसमें लिखना है, इट इज एक्सप्रेस्ड, बताओ कैसे, एज प्योर रेशियो, इसे हम प्योर रेशियो में दर्शाते हैं, ठीक है सर। उसके बाद आइडियल रेशियो, बताओ स्कूल की योद्धा, 2:1, वेरी गुड। तो आइडियली माना जाता है कि 2 रुपये उधार का लगाओ, 1 रुपये अपना लगाओ, बढ़िया है, 2:1। तो ये एक आइडियल रेशियो माना जाता है, लेकिन जैसे हमारे एग्जांपल में था 10:1, वो बहुत ज़्यादा है, वो फिर सिक्योर्ड नहीं है, कम सिक्योर्ड है। तो आइडियल रेशियो माना जाता है 2:1। तो इन्हें हम इसे हम बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो ये मेन होता है हमारे सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर। बाकी इसके बाद है जी नंबर 2। अब छोटे छोटे इसके भाई जो हैं वो हैं। नंबर 2 का नाम है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला लिखना है, वैसे तो ये खुद ही चीख चीख के कह रहा है कि मैं देखो क्या हूँ फॉर्मूला। पहले क्या वर्ड लिखा है, टोटल एसेट्स, तो आपके न्यूमरेटर में टोटल एसेट्स हो गया। अब टोटल एसेट्स जो है वो कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं होती, टोटल एसेट्स का मतलब हो गया जो आपका बैलेंस शीट का टोटल होता है बेसिकली, है ना, डिवाइडेड बाय, 2 के बाद क्या लिखा है, डेट। डेट का मतलब ही होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बस, तो ये आपका ऑटोमेटिकली खुद ही फॉर्मूला चिल्ला के कहता है कि देखो मैं ये हूँ, तो उसके नाम में ही फॉर्मूला छुपा है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो न्यूमरेटर में आपका टोटल एसेट्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपकी नॉन करंट
लाइबिलिटीज आ जाएंगी। बाकी अगले एरो में लिखना है इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ कवरेज, इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ कवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स बाय एसेट्स। ये भी एक तरह से वही सेम चीज़ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बता रहा है कि मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं उन्हें कितनी कवरेज मिली हुई है एसेट्स की। तो अगली बात, हायर द रेशियो बेटर इट इज़, जितना ज़्यादा रेशियो आएगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब हमारी एसेट्स की सुरक्षा जो है हमारे लॉन्ग टर्म डेट वालों को उतनी ज़्यादा मिली हुई है, क्योंकि न्यूमरेटर में टोटल एसेट्स है। तो मान लो मेरे पास टोटल एसेट्स हैं 1,000 रुपये के और लाइबिलिटीज़ मान लेते हैं मेरी हैं सिर्फ 10 रुपये की, तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो कितना आ गया, देखो 100:1। तो इसका मतलब ये अच्छी बात है ना, लॉन्ग टर्म डेट वालों को 100 गुना सिक्योरिटी है, उन्हें पता है यार हमने जिस कंपनी को 10 रुपये लोन दे रखा है उस कंपनी के पास 1,000 रुपये के एसेट्स हैं। तो डेटर्स जो हैं वो अपने आप को सेफ फील करते हैं, मतलब डेटर्स मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं वो अपने आप को सेफ फील करते हैं। तो इस रेशियो का मतलब होता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। और तीसरा पॉइंट, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन, बताइए मैडम, प्योर रेशियो। बिल्कुल सही, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशियो। बस, और इसका आइडियल क्या है, 1:1। आपको कहाँ से पता? अच्छा, 1:1 ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसमें आपको कोई आइडियल रेशियो नहीं लिखना, ठीक है ना। तो 1:1 नहीं है भाई, 1:1 में तो बेचारे लॉन्ग टर्म डेट को खतरा नहीं लगेगा कि मैंने 10 रुपये का लोन दे रखा है कंपनी को और इसके तो एसेट्स भी 80 रुपये के, मतलब इसमें तो सारा बिजनेस ही मेरे पैसे से खड़ा कर रखा है, तो ये खतरनाक बात हो जाएगी। तो 1:1 नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है, तो इसमें कोई आइडियल रेशो नहीं है। चलो, उसके बाद जी नंबर 3, ये भी इन्हीं का जुड़वा भाई, इसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, अब इस बार मालिक कह रहे हैं हमारे बताओ कितने पैसे लगे हुए हैं, तो फॉर्मूला बन गया शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये सबसे सिंपल बेसिकली फॉर्मूला है, और इसमें आप लिख लो इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड बाय ओनर्स। तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि टोटल एसेट्स में मालिकों का पैसा कितना। तो जैसे अगर आप रेशो को थोड़ा रीड करना भी देखो एक अलग एंगल से, तो जैसे आपके टेस्ट में मार्क्स आते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा होता है, 100। तो इसको रीड कैसे करते हैं कि 100 में से कितने मार्क्स आए, तो ये भी तो एक फ्रैक्शन बन जाता है ना कि 100 डिनोमिनेटर में लिखा है तो 100 में से आपके कितने नंबर आए, 8 नंबर। तो इसको कैसे रीड करते हैं हिंदी में कि 100 में से 8। तो इसी चीज़ को अगर आप इस रेशो में अप्लाई करो, तो अगर कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 100 रुपये के और कंपनी का शेयर होल्डर का फंड है 8 रुपये का, तो मतलब क्या बात बन गई इसको रीड करेंगे तो, कि कंपनी के टोटल एसेट्स अगर 100 के हैं तो उसमें मालिक का पैसा कितना, 8। तो इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशो, सिंपल फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड याद है वैसे आपको, जो बैलेंस शीट का पहला मेन हेड था, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर्स वारंट वाला पैसा। उसके बाद जी अगले एरो में लिख लो, इसी में इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन, बताओ
इसे किस में एक्सप्रेस करते हैं, इन प्योर रेशो और परसेंटेज। इसमें छूट है कि आपका जैसे मन करे वैसे कर लो, चाहे प्योर कर लो चाहे परसेंटेज कर लो। और इसका आइडियल क्या है, बताओ? इसका कोई आइडियल नहीं है, बस एक सेंटेंस लिख लो कि हायर द रेशियो बेटर इट इज। थोड़ा सा जो हमारे फिर से वही लॉन्ग टर्म डेट वाले लोग हैं ना, उन्हें सिक्योरिटी सी लगती है, उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि जितना मालिक अपना पैसा लगाएगा किसी भी बिजनेस में तो उतना ही लॉन्ग टर्म डेट्स वालों को भरोसा हो जाता है। अगर मान लो मैं एक बिजनेस शुरू करूं और मैं आपको बोलूं कि बच्चों इस बिजनेस में पैसे लगाओ, और आप पूछो सर आप मालिक को आपने कितने रुपए लगाए हैं, मैं बोलूं मैंने तो 10 रुपए लगाए हैं, आप सब मिलके 1,000 लगा दो, तो आप लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। अगर मैं बोलूं मैंने इस बिजनेस में 500 करोड़ रुपए लगाए हैं, आप इसमें 1,000 लगा दो, तो आप लगा लोगे? तो जितना मालिक का पैसा बिजनेस में ज़्यादा लगा होगा उतना लॉन्ग टर्म डेट्स को भरोसा हो जाता है। तो ये रेशोज ही, इन सारे रेशोज का पर्पज ही बेसिकली है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, मतलब जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उन्हें भरोसा दिलवाना है कि भाई हम अच्छी कंपनी है, हम पे भरोसा करो, तो इन्हें बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी निकालने वाले रेशियो। तो 3 हो गए जी। और उसके बाद नंबर 4 मैडम, वेरी गुड, सही रट्टे मार रखे हैं मैडम ने तो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि हमें जो ब्याज देना है उस पर हमारा कितना कवर है प्रॉफिट का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसमें आप पहले फॉर्मूला लिख लो फिर आगे की कहानी लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये है न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो ये हम क्वेश्चन से समझ जाएंगे। वैसे अगर आप थोड़ा थोड़ा देखो तो बस न्यूमरेटर में हमें नेट प्रॉफिट लेना है, लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको वैसे समझा रखा है पहले, पे करने से पहले, मतलब अभी इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले का जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बाकी डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इसमें लिखो इट शोज द अवेलेबिलिटी of profits to cover, it shows the availability of profit to cover interest on long term debts। तो long term हमारे जो debts हैं उन्हें हमें जो ब्याज देना है उसे कितना profit cover करके बैठा हुआ है ये बताता है। दूसरा point, इट इज एक्सप्रेस्ड इन, बताओ किस में एक्सप्रेस करते हैं, टाइम्स, बिल्कुल। तो इसे हम गुना करके बता रहे होते हैं, मतलब 2 times, 5 times, 10 times, तो इसको हम टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं। और आइडियल रेशियो मैडम, तो इसमें कोई आइडियल नहीं है, बस आप एक लाइन लिख लो कि हायर द रेशियो बेटर इट इज। जितना ज़्यादा रेशियो होगा तो लेंडर्स को उतना ही भरोसा होगा कि हाँ आपके प्रॉफिट ज़्यादा हैं, अच्छी बात है, तो उसको हम बस ये लिख देते हैं हायर द रेशियो बेटर इट इज। लेकिन इसमें एक दो बातें लिखनी है अब, कुछ और मिसलिनियस जो मैं भी थोड़ी देर में लिखवाता हूँ। लेकिन पहले ये 4 तरह के जो रेशियो होते हैं, इन 4 तरह के रेशियो को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। तो एक बार आप अपने मुंह से फॉर्मूले बोलेंगे फिर मैं आगे की बात लिख पाऊंगा। तो पहला रेशियो कौन सा है, इसका फॉर्मूला, ठीक है, एनर्जी से बोलो,
तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला फंड, तो ये फॉर्मूला वैसे खुद आपको पता है उसके नाम में, डेट इक्विटी। तो पहले डेट आएगा न्यूमरेटर में और इक्विटी डिनोमिनेटर में। फिर दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या, टोटल एसेट्स अपॉन नॉन करेंट लायबिलिटी। तीसरा फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका बोलो फॉर्मूला, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे या फिर घर से फर्रे बना ले जाना। और चौथा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय डेट्स। ठीक है, तो ये तो हो गए बेसिक फॉर्मूले। लेकिन इन फॉर्मूलों में उपयोग हुए हुए जो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप देख रहे हो, आपको क्या लगता है वो डायरेक्टली दे देगा? डायरेक्टली दे देगा, फिर तो नर्सरी के बच्चे को बैठा के ना करवा ले सवाल कि भाई बेटा तुम्हें न्यूमरेटर पुट करना है और डिनोमिनेटर पुट करना है। तो हमें ये भी कुछ बातें और लिखनी पड़ेंगी कि कई बार ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेंगी मेहनत करके। तो उस मेहनत के लिए तैयारी हम अभी कर लेते हैं। तो इसके नीचे मतलब आप स्टार डाल लेना, इसके नीचे मतलब हमें कुछ लिखने हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो लिखते हैं हम। चलो, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बस हमें कुछ फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, वो कवर करने हैं। तो लिखो सबसे पहले नंबर वन। तो नंबर वन का नाम है जी कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एक टर्मिनोलॉजी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बताओ कोई स्कूल का योद्धा इसका फॉर्मूला, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो भी लिख सकते हो आप, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये सब मिसलिनियस फॉर्मूले कई बार हमें उपयोग करने पड़ जाते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। दूसरा लिख लो टोटल डेट। तो टोटल डेट बताओ फॉर्मूला, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आप समझ गए ना, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, तो इसको बोलते हैं टोटल डेट। तीसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या, टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। सर ये क्या कह रहे हो भाई, ये सब हैं फॉर्मूले, मतलब ये भी बैलेंस शीट से ही डिराइव हुए हैं टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स को इसी तरह दूसरे रूप में भी आप लिख सकते हो। आपने नंबर टू में अभी टोटल डेट लिख ही रखा है, तो अगर आप उसी को ओपन कर दोगे तो नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड, ये ऐसे भी बन सकता है। तो मैंने टोटल डेट के फॉर्मूले को नंबर टू वाले को ओपन कर दिया, तो ऐसे भी बन सकता है टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स का तो एक और भी बन सकता है, बताओ क्या, सीधा सीधा वाला। टोटल एसेट्स का मतलब है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो ये भी बन सकता है। तो ये बेसिकली तीन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने होते हैं, तो इनको आप क्लोज कर सकते हो। बाकी छोटे मोटे अगर कुछ आएंगे तो वो सवाल में ही कवर हो जाते हैं, लेकिन मेन जो हैं, जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं रेशोज़ की, वो यही हैं जो हमें पहले करनी है। तो अगर हम कॉन्सेप्चुअल बात करें तो सबसे पहले कौन सा तरह का रेशो है, लिक्विडिटी रेशो, उसका काम क्या होता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। और दूसरे प्रकार को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंसी रेशो, जिसका काम क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी रेशो कितने प्रकार के हैं, दो, और सॉल्वेंसी रेशो कितने प्रकार के हैं, चार। तो दो के फॉर्मूले और चार के फॉर्मूले, तो इनको मिला के टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, छः। चलो, तो ये आप क्लोज कर सकते हो बस। तो कॉन्सेप्ट समाप्त।